नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अपर परियोजना निदेशक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आया है और ये आदेश है DBT प्रक्रिया के संबंध में। क्योंकि DBT प्रक्रिया का दूसरा चरण स्टार्ट हो चुका है, तो दूसरे चरण हेतु विद्यालय स्तर पर क्या क्या कार्रवाई की जानी है, इसी के संबंध में अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के लिए एक YouTube लाइव सेशन का आयोजन किया जाना है, जिस YouTube लाइव सेशन में सभी अध्यापकों को जुड़ना अनिवार्य होगा। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर ये YouTube लाइव सेशन कब आयोजित होगा और किस तरह से हम इससे जुड़ सकते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आदेश जारी किया है। ये आदेश जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। इसका पत्रांक है 404202, दिनांक 18 नवंबर 2021 का ये आदेश है। विषय है DBT प्रक्रिया के दूसरे चरण हेतु विद्यालय स्तर पर की जाने वाली कार्रवाइयों के संबंध में अध्यापकों / प्रधानाध्यापकों के लिए YouTube सेशन के आयोजक विषयक। महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि DBT प्रक्रिया के अंतर्गत दूसरे चरण में छात्र छात्राओं के माता पिता / अभिभावकों के बैंक खातों में धनराशि प्रेषित किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके अंतर्गत विद्यालय स्तर पर जहां अवशेष छात्र छात्राओं एवं उनके माता पिता अभिभावकों के विवरण प्रमाणित किए जाने हैं, वहीं प्रथम चरण में खंड शिक्षा अधिकारी अथवा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से रिवर्ट किए गए डाटा को भी पुनः सत्यापित किया जाना है। PFMS पोर्टल से अनसीडेड अकाउंट वाले अभिभावकों का बैंक अकाउंट आधार से सीड करवाकर पुनः उसे पोर्टल पर प्रेषित किया जाना है। इस प्रक्रिया के लिए अध्यापकों के उपयोग हेतु दिए गए मोबाइल ऐप में अपेक्षित संशोधन कर नया वर्जन लागू किया जा चुका है। इन प्रक्रियाओं के तकनीकी पहलुओं के संबंध में अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। उक्त के क्रम में अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु दिनांक 22 नवंबर 2021 सोमवार को दोपहर 12 बजे से YouTube सेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका लिंक दिया गया है। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आपको क्लिक करके इस लिंक से इस YouTube लाइव सेशन से जुड़ना है। इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप आसानी से इससे जुड़ जाएंगे। इस संबंध में आपसे अपेक्षित है कि अपने स्तर के समस्त अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों को इस YouTube सेशन में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करते हुए उनकी 100% प्रतिभागिता सुनिश्चित कराए। तो ये आदेश दिया है रोहित त्रिपाठी, अपर परियोजना निदेशक, जो समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के हैं। तो साथियों, काफी महत्वपूर्ण आदेश है और इस YouTube लाइव सेशन से जुड़ना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि तकनीकी पहलुओं की जानकारी आपको दी जाएगी। मैं भी कोशिश करूंगा इस YouTube लाइव सेशन की वीडियो आपको टाइम से उपलब्ध करा सकूं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।